नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री आज शाम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज चेन्नई में राजनीतिक प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने चीन के वुहान में कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति जांच पूरी की। कहा यह वायरस वुहान की प्रयोगशाला से लीक नहीं हुआ। और पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध दूसरे महाभियोग की कार्यवाही सीनेट में शुरू। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं लवली निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देंगे। कृषि कानूनों के मुद्दे और किसानों के आंदोलन को लेकर सप्ताह भर के व्यवधान के बाद कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कोविड-19 से कारगर ढंग से निपटने के लिए सही समय पर सही निर्णय लिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने कई फसलों और अनाज के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉ फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को कोविड-19 का टीका तेजी से सभी लोगों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने सरकार से अपील की कि मतभेद दूर करते हुए किसानों के मुद्दों का समाधान किया जाए। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में किसानों को अपनी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें एमएसपी मिला होता तो वे दिल्ली की सीमाओं पर नहीं होते। टीएमसी नेता सौगत राय ने मांग की कि सरकार को कृषि कानून रद्द करने चाहिए क्योंकि किसान इन कानूनों से खुश नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को लाभ होगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता कुंवर दानिश अली ने कहा कि किसानों के प्रति सरकार का रवैया उचित नहीं है और किसानों के साथ टकराव से बचना चाहिए। शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ मशवरा के बिना कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपनी उचित मांगों के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी को लाल किले में हुई घटनाओं का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कुछ तत्व विश्व में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देश में एक तरह का हाइब्रिड युद्ध चल रहा है और विभिन्न स्तरों पर उकसावे की स्थिति से खौफ पैदा किया जा रहा है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने देश की सीमाओं पर चीनी आक्रमण का मुद्दा उठाया और कहा कि पड़ोसी देश अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं और सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचा खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सीमाओं पर दुश्मन के हमले की तरह देख रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने कहा कि किसानों के विरोध ने राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है और ये केवल पंजाब तक सीमित नहीं रह गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय कुमार ने निजीकरण का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकारी संस्थाओं का निजीकरण करना चिंता का विषय है। कांग्रेस के कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में जनहित के व्यापक मुद्दों की चर्चा नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के अपराजिता सारंगी, समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान, वीसीके के सांसद डी रवि कुमार और कांग्रेस के डॉ अमर सिंह ने भी बहस में हिस्सा लिया।
राज्यसभा ने कल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया। ये पिछले वर्ष 30 दिसंबर को लागू अध्यादेश का स्थान लेगा। इसके तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान द्वितीय संशोधन अधिनियम 2011 में संशोधन किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है कि उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने के लिए केंद्र द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। लोकसभा में उत्तराखंड आपदा पर अपने वक्तव्य में अमित शाह ने यह आश्वासन दिया। इससे पहले गृहमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि आपदा से निपटने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी उपाय किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। केंद्र सरकार द्वारा स्थिति को 24 घंटे उच्चतम स्तर पर निगरानी की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं स्थिति पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। गृह मंत्रालय के दोनों कंट्रोल रूम द्वारा स्थिति पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता मुहैया कराई जा रही है। विद्युत मंत्रालय के माननीय राजमंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया और चल रहे राहत एवं बचाव कार्य का भी जायजा लिया है। ITBP ने अपना कंट्रोल रूम वहां स्थापित कर लिया है। इस बीच उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के आपदाग्रस्त क्षेत्र चमोली में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। 32 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 174 लोग अब भी लापता हैं। आपदा प्रभावित इलाके में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। सुरंग में फंसे 25 से 35 लोगों को निकालने के लिए बचाव दल ने रास्ता बना लिया है, लेकिन सुरंग में लगातार मलबा और पानी आने से बचाव दल को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वहां नौसेना के घुसाखोर और कमांडो भी पहुंच गए हैं। इस बीच नीति घाटी में फंसे 126 लोगों को निकाल लिया गया है। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के अनुसार कल 9 अन्य लापता लोगों के शव निकाले गए हैं। अलकनंदा नदी के तटवर्ती इलाकों में भी लापता लोगों की तलाश जारी है। जिला प्रशासन ने लापता लोगों के बारे में जानकारी के लिए तपोवन में सूचना केंद्र भी बनाया है। राघवेश पांडे, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य विषय है सबके लिए सुरक्षित और संरक्षित पर्यावरण और हमारा साझा भविष्य। इस सम्मेलन में गयाना के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद इरफान अली, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे, मालदीव की पीपल्स मजलिस के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, संयुक्त राष्ट्र के उप महासचिव अमीना मोहम्मद और केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन है, जिसमें सतत विकास को लेकर 3 दिनों तक चर्चा होगी। इस सम्मेलन में कई देशों की सरकारें, बिजनेस लीडर्स, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, युवा और सामाजिक संगठन भाग ले रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से निपटने के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा इस सम्मेलन के दौरान चर्चा किए जाने वाले प्रमुख विषयों में ऊर्जा एवं उद्योग परिवर्तन, अनुकूल तथा लचीलापन, प्राकृतिक आधारित समाधान, जलवायु वित्तीयन, अर्थव्यवस्था, स्वच्छ महासागर और वायु प्रदूषण शामिल है। भारत का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इस शिखर सम्मेलन के प्रमुख भागीदार हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्ण, एकजुट, स्थिर, समृद्ध और समावेशी अफगानिस्तान के लिए भारत का समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ वर्चुअल बैठक में ये बात कही। दोनों देशों ने शहतूत बांध परियोजना के बारे में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हनीफ अतमर ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सभ्यताओं का संबंध है। भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती, हमारी आपसी साझेदारी और मजबूत हुई। यही दोस्ती, यही निकटता कोविड महामारी के खिलाफ भी हमारे बीच दिखती रही है। चाहे दवाइयां और PPE हो या भारत में बनी वैक्सीन की सप्लाई, हमारे लिए अफगानिस्तान की आवश्यकताएं हमेशा महत्वपूर्ण रही है और रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 2 दशक में अफगानिस्तान के विकास में भारत सर्वाधिक महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि काबुल में शहतूत बांध के निर्माण का समझौता दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ मैत्री पर आधारित है। आज हम काबुल में जिस शहतूत बांध के निर्माण पर समझौता कर रहे हैं, उसकी नींव सिर्फ ईंटों और मोर्टार पर नहीं बनेगी, बल्कि भारत अफगान दोस्ती की ताकत पर टिकी होगी। काबुल शहर
भारत के लोगों के दिलों दिमाग में बसा है। मुझे विशेष खुशी है कि सहतूत बांध परियोजना से काबुल शहर के नागरिकों को पेयजल सुविधा प्रदान होगी, साथ साथ काबुल नदी बेसिन में एक सिंचाई नेटवर्क का विकास भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी बाहरी ताकत अफगानिस्तान के साथ हमारी दोस्ती या हमारी आर्थिक वृद्धि को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। शहतूत बांध से काबुल शहर को सुरक्षित पेयजल और आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई का पानी मिलेगा। बांध से इस क्षेत्र में बिजली भी उपलब्ध होगी। अफगानिस्तान में भारत द्वारा बनाया जा रहा यह दूसरा प्रमुख बांध है। इससे पहले भारत ने सलमा बांध निर्मित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जून 2016 में इस मैत्री बांध का उद्घाटन किया था। निर्वाचन आयोग का पूर्ण दल आज चेन्नई में तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा और निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र और राजीव कुमार तथा चुनाव आयोग में महासचिव उमेश सिन्हा दो दिन की यात्रा पर चेन्नई में हैं। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि चुनाव आयोग के अधिकारी, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, पुलिस अधिकारियों और जिला चुनाव अधिकारियों तथा जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक में तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू के अनुसार कोविड-19 के प्रतिबंधों को देखते हुए मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाने और अन्य चुनाव प्रतिबंधों पर विचार किया जाएगा। चुनाव आयोग का दल कल राज्य के मुख्य सचिव और अन्य विभागों के सचिव तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेगा। उधर आंध्र प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गया। पहले चरण में 81% से अधिक मतदान हुआ। कृष्णा जिले में 85.06% मतदान हुआ। राज्य में 21 फरवरी तक चार चरणों में पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं। इस दौरान 3,249 सरपंचों का चुनाव होना है। 525 सरपंच निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल की संस्कृति और विरासत को नष्ट करने का आरोप लगाया है। श्री नड्डा ने कल बीरभूम जिले से परिवर्तन यात्रा के दूसरे चरण को रवाना किया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और पुलिस का राजनीतिक इस्तेमाल किया। श्री नड्डा ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले वे तारापीठ मंदिर गए। बिहार में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में कल 17 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। राज्यपाल फग्गू सिंह चौहान ने पटना में राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। भाजपा के जनक राम को भी मंत्री बनाया गया है, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। नए मंत्रियों के साथ बिहार मंत्रिमंडल में कुछ 31 मंत्री हो गए हैं। मंत्रिमंडल में 16 भारतीय जनता पार्टी के और 13 जनता दल यूनाइटेड के और एक एक मंत्री हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के हैं। नए मंत्रियों को पदभार भी सौंप दिए गए हैं। शाहनवाज हुसैन को उद्योग और नितिन नवीन को सड़क निर्माण विभाग दिया गया है। विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री और श्रवण कुमार ग्रामीण विकास मंत्री बनाए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल अपने मंत्रालय की नई वेबसाइट पर परियोजना विकास प्रकोष्ठ पीडीसी के तहत निवेश खंड का शुभारंभ किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने निवेशकों को निवेश योग्य क्षेत्रों और अवसरों की सूचना मंत्रालय के नए वेबपेज पर प्रमुखता से दिखाने के लिए यह पहल की है। इसका मुख्य उद्देश्य निवेशकों को आकर्षित करना है। पीडीसी के साथ पंजीकरण के बाद नए निवेशक भारत में निवेश करने के बारे में अपने प्राथमिकता क्षेत्र की जानकारी दे सकते हैं और किसी भी समस्या या चुनौती की स्थिति में समाधान की मांग कर सकते हैं। सरकार ने खरीफ के चालू मौसम में 620 लाख टन से अधिक धान की खरीद की है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार खरीद में 17.60% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल इस अवधि में लगभग 527 लाख टन धान की खरीद हुई थी। अकेले पंजाब से 202 लाख टन से अधिक धान की खरीद हुई, जो कुल खरीद का 32.71% है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। अब तक खरीदे गए धान के लिए दिया गया न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,17,000 करोड़ रूपये से अधिक है। देश भर में पिछले एक साल में किसानों को 1,76,000 करोड़ रूपये की सीमा वाले 1,87,00,000 से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी गई है।
किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का विशेष अभियान फरवरी 2020 से चल रहा है। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। किसानों को आसानी से और समय पर खेती से संबंधित कामकाज के लिए कर्ज उपलब्ध हो सके, ये सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की थी, ताकि वे बीज, खाद और कीटनाशकों जैसे खेती में उपयोग होने वाली सामग्रियों को खरीद सकें। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री आज शाम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज चेन्नई में राजनीतिक प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने चीन के वुहान में कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति जांच पूरी की, कहा ये वायरस वुहान की प्रयोगशाला से लीक नहीं हुआ। और पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरूद्व दूसरे महाभियोग की कार्रवाई सीनेट में शुरू। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब तक 63 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को ये जानकारी दी। 63 लाख से ज्यादा लाभान्वितों को वैक्सीन की डोजेज दी जा चुकी हैं। जब हम कहते हैं कि 63 लाख से ज्यादा लाभान्वित, तो इसका अर्थ है कि ये वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं 63,10,194, जिनको कि पहला डोज वैक्सीन का दिया गया है। दूसरा डोज हम 13 फरवरी से देना प्रारंभ करेंगे। देश में टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। एक रिपोर्ट। श्री राजेश भूषण ने बताया कि केवल 24 दिन में 60 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन देने वाला भारत पहला देश है। अमेरिका को 60 लाख लोगों को कोविड टीके देने में 26 दिन और ब्रिटेन को 46 दिन लगे थे। श्री भूषण ने कहा कि 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 65% से अधिक पंजीकृत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वैक्सीन दी गई है। 7,75,000 से अधिक लोगों के फीडबैक के अनुसार 97% से अधिक लोग वैक्सीन से संतुष्ट हैं। श्री भूषण ने कहा कि कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस समय कोविड मरीजों की संख्या 1,50,000 से कम रह गई है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जनवरी के पहले सप्ताह में प्रतिदिन औसतन 211 लोगों की मृत्यु हो रही थी, लेकिन अब ये संख्या घटकर 96 रह गई है। पिछले 5 सप्ताह में औसत दैनिक मृत्यु दर में 55% की कमी आई। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों में कोविड से एक भी मृत्यु नहीं हुई, जबकि 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 3 सप्ताह में कोई मृत्यु नहीं हुई। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, कोविड के मरीजों की संख्या निरंतर घट रही है और स्थिति अब संतोषजनक है। यह भी संतोष की बात है कि कोविड के कारण मृत्यु भी कम हो रही है और अब प्रतिदिन मृतकों की संख्या 100 से कम रह गई है। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोविड से कोई मृत्यु नहीं हुई। उधर दिल्ली में कल कोरोना के 100 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राजधानी में इस वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 6,36,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अभी तक 6,24,000 से ज्यादा संक्रमित लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल राजधानी में 1,052 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। महाराष्ट्र में अब तक कुल 5,36,197 लोगों को कोविड टीका लगा दिया गया है। अभी तक 4,81,607 स्वास्थ्य कर्मियों और 54,590 अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को टीका लगाया जा चुका है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार कल टीकाकरण के 515 सत्र चलाए गए, जिनमें 23,721 लोगों को टीका लगाया गया और इनमें से 153 लोगों को कोवैक्सीन टीका लगाया गया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि तीसरे चरण में 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और कई बीमारियों से पीड़ित 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों को टीका लगाया गया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 1 मार्च से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार मुंबई के परेल स्थित हाकिन इंस्टीट्यूट को कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए प्राथमिकता देगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संस्थान की समीक्षा बैठक में कहा कि संस्थान को उच्च गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति पर भी ध्यान देना चाहिए। श्री ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार निकट भविष्य में इस संस्थान में अत्याधुनिक वैक्सीन अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए पूरी सहायता देगी।
गुजरात में कल कोरोना के 234 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार वहां इस महामारी से स्वस्थ होने वालों की दर 97.56% हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कल गुजरात में 56,000 से अधिक लोगों को कोरोना टीके लगाए गए। गुजरात में कल 974 टीकाकरण केंद्रों द्वारा 56,332 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 6,60,516 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में अब तक कुल 2,57,473 मरीज कोविड-19 संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इनमें से 353 मरीज पिछले 24 घंटों में ठीक हुए। राज्य में अब 2,040 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 24 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल सबसे अधिक 70 नए मामले वडोदरा में दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 43 नए मामले सामने आए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कोरोना वायरस सार्स कोविड 2 के स्रोत का पता करने के लिए वुहान गए विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ दल ने कहा है कि इस बात की पुरजोर संभावना है कि यह वायरस किसी रोगाणु वाहक प्रजाति के जरिए मानव शरीर में फैला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल का नेतृत्व कर रहे पीटर बैन एम्बरेफ ने प्रेस को अपने आकलन की जानकारी देते हुए कहा कि शुरुआती जांच से यह पता चल रहा है कि मानव शरीर के अंदर कोरोना संक्रमण किसी रोगाणु वाहक प्रजाति के माध्यम से ही फैलने की संभावना दिख रही है और इसके लिए और अधिक लक्षित अनुसंधान और अध्ययन करने की आवश्यकता है। वुहान में लगभग एक महीने तक दौरे का समापन करते हुए विशेषज्ञ दल ने कहा कि उसकी जांच में नए तथ्यों का पता चला है, लेकिन इससे कोरोना प्रकोप फैलने के बारे में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारतीय रेलवे के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड आवंटन का प्रस्ताव किया है। रेलवे के लिए सकल बजटीय आवंटन 37,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है, जो वर्तमान वर्ष के बजट अनुमान की तुलना में 53% अधिक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि माल ढुलाई के प्रति समर्पित पश्चिमी गलियारा और पूर्वी गलियारा जून 2022 से शुरू होने की संभावना है। इंडियन रेलवेज हैव प्रिपेयर्ड अ नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। द प्लान इज टू क्रिएट अ फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030, ब्रिंगिंग डाउन द लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर एन इंडस्ट्री is at the core of our strategy to enable Make in India. It is expected that Western Dedicated Freight Corridor and Eastern Dedicated Freight Corridor will be commissioned by June 2022. वित्त मंत्री ने ये घोषणा भी की कि दिसंबर 2023 तक सभी ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेलवे की वार्षिक योजना 2021-22 में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचागत विकास, टर्मिनल सुविधाओं के विकास, ट्रेनों की गति में वृद्धि, यात्रियों की सुविधा में सुधार और पुलों संबंधी सुरक्षा कार्यों सहित विभिन्न गतिविधियों पर जोर दिया गया है। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्रों की राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए इस बजट में अब तक का सर्वाधिक 12,985 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 72% अधिक है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के साथ साथ पर्यटकों को बेहतर यात्रा अनुभव देने के उद्देश्य से बजट में यात्री ट्रेनों के लिए सुंदर डिजाइन वाले विस्ता डोम LHV कोच देने का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रणाली मानवीय भूल से होने वाली रेल दुर्घटनाओं की आशंका को कम करती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे महाभियोग मामले की सुनवाई कल सीनेट में औपचारिक रूप से शुरू हुई। सीनेट ने अमेरिका के इतिहास में किसी पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव 44 के मुकाबले 54 मत से पारित किया। सीनेट ने ट्रंप के वकीलों के उस तर्क को खारिज कर दिया कि ट्रंप 20 जनवरी को व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद सीनेट की पहुंच से बाहर थे। डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि ट्रंप को फिर कभी किसी भी सार्वजनिक पद को धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और कल रात के घटनाक्रम से ऐसा लग रहा है कि उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ट्रंप पर महाभियोग चलाने के पक्ष में वोट डालने वाले डेमोक्रेट्स का केवल 6 रिपब्लिकन सीनेटरों ने साथ दिया। ट्रंप को दोषी सिद्ध करने के लिए 17 सीनेटर के वोट की जरूरत थी। ट्रंप अमेरिका के इतिहास में ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्हें दो बार महाभियोग का सामना करना पड़ा है। अमेरिका में महाभियोग का ये चौथा और किसी पूर्व राष्ट्रपति पर महाभियोग का पहला मामला है। स्पेन के राफेल नडाल ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
नडाल ने अपना पहला मुकाबला जीतकर रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल करने की दिशा में मजबूत शुरुआत की है। पहले दौर के मुकाबले में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी नडाल ने सर्बिया के लास्लो जायर को 6-3, 6-4, 6-1 से हराया। दूसरे दौर में नडाल का मुकाबला अमरीका के माइकल मुंह से होगा। यदि नडाल इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीत जाते हैं तो वे अपने करियर में हर ग्रैंड स्लैम खिताब कम से कम दो बार जीतने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन जाएंगे। आज के मुकाबले में सेरेना विलियम्स महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में सर्बिया की नीना स्टाजोनोविक से खेलेंगी। वहीं 2019 में अमरीकी ओपन के फाइनल में विलियम्स को हराने वाली बिनाका आंद्रेस्क्यू अपना दूसरा मैच हसी सुवी से खेलेंगी। बिनाका चोटिल होने के कारण 15 महीने तक खेल से बाहर रही थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन के 8 बार के विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। वहीं अमरीकी ओपन विजेता डोमिनिक थिएम दूसरे दौर में डोमिनिक कोएफर से भिड़ेंगे। यानिक सिनर को 5 सेट के कड़े संघर्ष में हराने वाले डेनिस शापोवालोव का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के क्वालिफायर बर्नार्ड टोमिक से होगा। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने 5 महीने की एक बच्ची के लिए जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर कस्टम ड्यूटी और अन्य शुल्क में छूट देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। ये बच्ची एक दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी से पीड़ित है और जीन में बदलाव के जरिए उसका इलाज होना है। इसके लिए अमरीका से 16 करोड़ रूपये की दवाइयों का आयात किए जाने की आवश्यकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और देवेंद्र, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, चमोली आपदा से संबंधित खबरें सभी अखबारों में अलग अलग शीर्षक से हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है मलबे के आगे है जिंदगी की आस। अमर उजाला की सुर्खी है जिंदगी की तलाश करने पहुंचे नौसेना के कमांडो, ड्रोन से भी होगी खोज। राष्ट्रीय सहारा ने गृहमंत्री के इस बयान को दिया है राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद कर रहा है केंद्र। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद की विदाई पर प्रधानमंत्री के भावुक होने की खबरें भी सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की पहली खबर है संसद में भावुक हुए पीएम मोदी, आजाद की भी छलके आंसू। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कानून विशेष प्रावधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में कल पास होने पर दैनिक जागरण ने लिखा है दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रह रही जनता को घर का मिलेगा मालिकाना हक। अमर उजाला की सुर्खी है 2023 तक वैध होंगी दिल्ली की अनाधिकृत कॉलोनियां। लाल किले पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर हुई हिंसा का मास्टरमाइंड दीप सिद्धू गिरफ्तार, लिखता है दैनिक जागरण। जनसत्ता की सुर्खी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दीप सिद्धू को दबोचा, उस पर 1 लाख रुपए का था इनाम। 10 महीने में पहली बार दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना से कोई मृत्यु नहीं होने को जनसत्ता ने राहत भरी खबर बताया है। दैनिक भास्कर ने स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से लिखा है अब तक 63 लाख से ज्यादा लोगों को लगाया जा चुका है कोरोना का टीका। दिल्ली में नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए एडमिशन की दौड़ 18 फरवरी से, इस खबर को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए लिखा है 4 मार्च तक भरे जाएंगे फॉर्म, पहली लिस्ट 20 मार्च को। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री आज शाम विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज चेन्नई में राजनीतिक प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के दल ने चीन के वुहान में कोविड-19 वायरस की उत्पत्ति की जांच पूरी की, कहा यह वायरस वुहान की प्रयोगशाला से लीक नहीं हुआ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।